Dear students, welcome in the lecture on reaction mechanism of octahedral complexes. तो आपका बच्चों फिर से स्वागत है इस reaction mechanism में, जहाँ पर हम octahedral complexes की reaction mechanism पढ़ रहे हैं. और especially इस lecture में हम discuss करेंगे about redox reactions and electron transfer reactions. और उनका general introduction हम इस lecture में पढ़ेंगे. इससे पहले lectures में आपने देखा, हमने पढ़ा octahedral complexes की जो substitution रिएक्शंस हैं उनको हमने डिस्कस किया था. अब हम इसके आगे जो कुछ लेक्चर्स लेंगे उनको हम वहां पर हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब आपने सुना होगा कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है. रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की कम या ज्यादा होने की. तो जब एक जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसका जो सेंट्रल मेटल सेंटर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो लो से हाई होगा या हाई से लो होगा एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक स्पीसीज का क्या होता है रिडक्शन और दूसरी स्पीसीज का क्या होता है ऑक्सीडेशन. तो जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है उसका जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, बढ़ेगा. तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या घटेगा तो साइमल्टेनियसली एक स्पीसीज का कम होगा और दूसरी स्पीसीज का क्या होगा, अधिक होगा. तो इस ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे बच्चों, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जहां पर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा. तो जब हम रिडॉक्स की बात करेंगे तो एक हम बात करेंगे ऑक्सीडेंट की, ठीक है. अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेंट होगा एक और एक क्या होगा, रिडक्टेंट. तो ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यानी आप जानते हैं कि एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडेंट मींस जो किसी दूसरे स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिडक्टेंट मींस जो रिड्यूस कर रहा है. तो आप जानते हैं कि अगर एक स्पीसीज जो है एम से एम प्लस में कन्वर्ट हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे कि ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. तो ये जो स्पीसीज होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है तो ये क्या है, रिडक्टेंट है. ये रिडक्टेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि किसी दूसरी स्पीसीज का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है. तो जो रिडक्टेंट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा. तो एक स्पीसीज तो डोनर होगी और क्या होगी, एक एक्सेप्टर. तो जो ऑक्सीडेंट होगी वो कैसे एक्ट करेगी, एक एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगी. क्योंकि आप देखिए कि अगर एक स्पीसीज जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन की रिएक्शन. और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इस स्पीसीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. तो ये क्या होगा, एक ऑक्सीडेंट होगा. और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. तो ऑक्सीडेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. और रिडक्टेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा. तो इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस आते हैं. तो ये दो टर्म हम बार बार बात करेंगे, ऑक्सीडेंट की और रिडक्टेंट की. ओके, अब ड्यू टू द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट द बॉन्ड डिस्टेंस एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड और बिटवीन मेटल्स चेंजेस. अब क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगी तो जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है, या मेटल मेटल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है. ओके, तो इन रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान जो है वो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो भी चेंज हो सकती है. ओके, और जब ये बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तो स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्सेस का क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है या फिर डिकम्पोज भी हो सकता है कंपाउंड. तो इस तरीके से आप देखेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है. एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है. अब ये रिएक्शंस को अगर हम देखेंगे, दीज आर यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, क्लस्टर कंपाउंड्स, कार्बोनल्स. क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, इन रिडॉक्स रिएक्शंस की क्या महत्ता है, क्या क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं. हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शंस यूजफुल हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में हेल्पफुल हैं, क्लस्टर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल हैं, और कार्बोनल्स को सिंथेसाइज करने के लिए कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ता है. ओके,
अब आप देखेंगे, जब मैंने आपसे कहा कि रिडॉक्स रिएक्शंस होंगी तो क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो उस समय एटम ट्रांसफर हो सकता है, ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी मैंने इससे पहले आपको जो कहा था वो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात कही थी। एक्चुअली ये इनमें से कोई भी ट्रांसफर हो सकता है, एटम और ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी पॉसिबल ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, और जो जो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं जनरली उसमें दो स्पीसीज होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो जनरली ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। ओके, अब हम एग्जांपल देखेंगे। अगर हम बात कहें कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं वो थ्रू एटम और ग्रुप ट्रांसफर होती हैं, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं जहां पर आप देख रहे हैं रिएक्शन रिडॉक्स हो रही है और यहां पर एटम या ग्रुप ट्रांसफर होगा। जैसे यहां इस रिएक्शन में आप देखिए, इन रिएक्शंस में आप देख सकते हैं MnO4 जो है वो ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस समय जो रिएक्शन हो रही है वहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, ये देखिए इसमें से हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया और यहाँ से भी हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है। अगर हम ये रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर इस स्पीसीज का जो है वो आप देखेंगे यहाँ से जो है ऑक्सीजन एटम का ट्रांसफर हुआ है। तो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सकता है, हाइड्रोजन ट्रांसफर यानी एटम का ट्रांसफर हो सकता है, और ग्रुप का ट्रांसफर हो सकता है ड्यूरिंग अ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्दर एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो Fe2+ है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, और ये Fe2+ जो है वहाँ से एच एटम का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए एच एटम यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, R के साथ RH बन रहा है, या फिर Fe3+ जो है वो एच जो OH है उसका ट्रांसफर कर सकता है, तो OH ट्रांसफर होकर यहाँ पर ROH स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं वो एटमिक ट्रांसफर के हैं, तो यानी रिडॉक्स रिएक्शन का जो होती है वो थ्रू एटम और ग्रुप ट्रांसफर होती है, और दूसरे तरीके की मैंने आपसे कहा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू भी हो सकती है। ही जो रिएक्शंस हैं, देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सकता है। ओके, तो देखिए आप, टैबो ने 1983 में नोबेल प्राइज जीता, काहे के लिए जीता, क्यों जीता, फॉर एक्सप्लोरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, और उन्होंने क्लासीफाई किया कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये दो तरीके के मैकेनिज्म से होती हैं, एक होती है इनर स्फेयर मैकेनिज्म और दूसरी होती है आउटर स्फेयर मैकेनिज्म। तो रिडॉक्स रिएक्शंस जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होती हैं तो वहाँ पर दो तरीके के मैकेनिज्म के थ्रू वो होती हैं, ये टैबो ने बताया, इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो जो इनर स्फीयर मैकेनिज्म होती है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड्स होता है, दो मेटल्स के बीच में एक ब्रिजिंग लिगेंड आ जाता है और उसकी हेल्प से इनर स्फीयर मैकेनिज्म होता है, और जो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होता है वहां पर डायरेक्ट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का दो मेटल सेंटर के बीच में, और कोई भी ब्रिजिंग लिगेंड की जरूरत नहीं होती है। कुछ इस तरीके से हम कहेंगे कि यहां पर जो M है और बीच में एक ब्रिजिंग लिगेंड है और M, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है, लेकिन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से होगा कि डायरेक्ट मेटल मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां पर लिगेंड का कोई ब्रिजिंग नहीं होगा आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में। ओके, तो अब आप नेक्स्ट जब देखेंगे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, जैसे ये यहाँ पर Fe2+ है देखिए, और यहाँ पर Fe क्या है, 3+ है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3+ में और Fe2+ में। तो अगर हम इसको दिखाएंगे कि हमने इसको लेबल किया है, अगर मैं ये वाला आयरन लेबल कर दूं और ये वाला आयरन क्या होगा, लेबल होगा, तो आप ये देखेंगे कि देखिए ये जो स्पीसीज है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इस स्पीसीज में, और ये जो स्पीसीज है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इस स्पीसीज में। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 से 3 में, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये स्पीसीज क्या कहलाएगी,
रिडक्टेंट, ये खुद क्या है, रिडक्टेंट, ओके। और ये स्पीसीज क्या है, ऑक्सीडेंट। तो आप देख सकते हैं कि ये एफ ई थ्री प्लस रिड्यूस हो रहा है एफ ई टू प्लस में, और एफ ई टू प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है एफ ई थ्री प्लस में। इसी तरीके से ये रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमियम टू प्लस है, क्रोमियम टू प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम थ्री प्लस में, और आयरन एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या है, रिडक्टेंट। So this species is reductant and this species is oxidant. तो आप देख रहे हैं दो species work करेंगी हमेशा electron transfer reaction में। तो ये जो redox reaction है यहाँ पर electron का transfer हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं, उनका क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को हम देखिए कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें पॉसिबल है। तो एक तरीके का क्लासिफिकेशन है जहाँ पर आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अगर वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो ये दो मैकेनिज्म के थ्रू पॉसिबल है, या तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा या इनर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो तरीके का है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। और जो टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो दो तरीके के रिएक्शंस इसके अंदर आती हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस और दूसरी है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं उनका ये क्लासिफिकेशन है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है इनका, वो क्लासिफिकेशन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस हैं उनको हम एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट्स। एक होती है सेल्फ ट्रांसफर रिएक्शन, एक तो है देखिए सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शंस, ओके, और दूसरी रिएक्शंस हैं क्रॉस रिएक्शंस। तो ये दो तरीके की, एक और हम किसका क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, क्रॉस रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिससिमिलर रिएक्टेंट्स, ओके। जो सेंटर होगा वो अलग अलग होगा, तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, ओके। और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होंगे वो दोनों एक ही मेटल स्पीसीज के होंगे, सिमिलर मेटल स्पीसीज यहाँ पर होगी। उसके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो आप देखेंगे सिमिलर मेटल स्पीसीज होंगी, रिडक्टेंट और जो ऑक्सीडेंट होगा। तो सेल्फ एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होगा कि आयरन आयरन के साथ ही एक्सचेंज करेगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे आयरन और कोबाल्ट एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो दो तरीके के मेथड हैं इसको क्लासिफाई करने के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को, एक दो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है। तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी पॉसिबल, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भी पॉसिबल। वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो मैकेनिज्म के थ्रू होती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस जो हैं वो दो तरीके की हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। और अगर हम टाइप ऑफ रिएक्टेंट को देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस दो तरीके की हैं, सेल्फ एक्सचेंज जहाँ पर मेटल स्पीसीज क्या होंगी, सेम होंगी, सेम सिमिलर भी नहीं कहेंगे, सेम स्पीसीज होंगी, और क्रॉस रिएक्शंस जहाँ पर जो मेटल स्पीसीज होगी वो अलग अलग तरीके की होंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो जो रिडॉक्स रिएक्शन से हैं वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर हम लिगेंड के सब्स्टिट्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, जो ट्रांसफर हो सकता है, एक स्पीसीज क्या होगी ऑक्सीडेंट और दूसरी स्पीसीज क्या होगी रिडक्टेंट। जो रिडक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन देगी किसको, ऑक्सीडेंट को। तो ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन होती है हमेशा, ये जब रिएक्शंस होंगी तो एटम का ट्रांसफर या ग्रुप का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स वेयर द एटम ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यहाँ पर भी एटम का ट्रांसफर हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है उसके लिए टैबो को नोबेल प्राइज दिया गया था 1983 में, और ये इसको इन्होंने क्लासिफाई किया था। और क्लासिफाई करके जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया वो ये दिया कि दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरा जो मेटल सेंटर है वो
किस तरीके के हैं उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे वन बाय वन। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट आउटर स्फेयर मैकेनिज्म, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू आउटर स्फेयर मैकेनिज्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच।